हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना से आधी साइबर सिटी खाली, लोगों ने किया मजबूरी में पलायन, लॉकडाउन से उद्योगों को। बादशाहपुर जैसे बड़े इलाके हैं जहां किराए का बड़ा काम है, लाखों की तादाद में लोग यहां बाहर से आकर किराए पर रह रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस ने ऐसी कमर तोड़ी कि आधी से ज्यादा इमारत अब सूनी नजर आ रही है। हमारे गुड़गांव शहर में इस कोरोना महामारी की वजह से मल्टीनेशनल कंपनियां पीजी सेक्टर्स के जितने भी रेंट के मकान थे सब खाली हो चुके हैं। छोटे वर्ग के लोग प्लान कर चुके हैं। हम लोग को सबको मिलकर एक बार पे विचार विमर्श करना चाहिए कि भाई इस समस्या से हम कैसे बाहर निकले। मकान मालिकों का कहना है कि कोरोना के विकराल रूप से हर वर्ग प्रभावित हुआ है, चाहे दुकानदार हो, उद्योगपति हो, कारीगर हो या दुकान और मकान मालिक हो, सब परेशान हैं। कोरोना की पहली लहर चली तो लॉकडाउन के बाद लोगों ने खुद को संभालने की कोशिश भी की। देखिए, कोरोना की जो वैश्विक महामारी है इसमें जिस प्रकार से महामारी का विकराल रूप था उसमें समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो बिल्डिंग के अंदर जो अपने किराए का जिसने अपना रोजगार बढ़ाया हुआ है। तो उस चीज़ को अगर हम देखते हैं, जैसे कोरोना की पहली लहर थी, पहली लहर में जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में सारे व्यापारी को औद्योगिक संस्थान बंद कर दिए गए थे, तो जबकि वहाँ उसमें कैजुअलिटी कम हुई थी। तो उसके बाद जैसे लॉकडाउन अनलॉक हुआ तो व्यापार चलने लगा, किराएदारी भी शुरू हो गई थी, लेकिन उसमें फिर भी किराए के ऊपर ज्यादा कम ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को ज्यादा प्रभावित किया। दूसरी लहर में लोगों की जान को भी काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद लोग भी टूट गए। हालांकि कई मकान मालिक ऐसे भी थे जिन्होंने अपने किराएदारों का किराया भी माफ किया था, लेकिन अभी भी जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटी है। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई थी इसमें जब जन की हानि हुई है तो उसमें क्या है कि चाहे वो औद्योगिक परिवार का हो या कोई अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, उनके जब पारिवारिक सदस्य गए तो उनके अंदर संभलना थोड़ा सा टेढ़ा काम हो रहा है, और व्यापार में मन लगाना, व्यापार को उठाना, दोबारा से करना, तो लगभग अब जैसे मेरी अपने फ्रेंड सर्कल में बात होती है तो किराए का लगभग लगभग 50% का काम आधा रह गया। जो किराया 100 रुपये था तो आज वो कहीं ना कहीं 50 रुपये की मुश्किल से देनदारी कर रहा है, जबकि लोगों ने एक दूसरे को सहयोग भी किया कि किराया कुछ महीनों के लिए माफ भी किया गया, वेव ऑफ भी किया गया, आपसी तालमेल के साथ सामाजिक रिश्तों का ताना बाना बना के किराएदारों को भी मकान मालिकों ने अपना साथ साथ दिया है, सहयोग दिया है, लेकिन फिर भी अभी वो बात नहीं आ पा रही है। तो वहीं उन दुकानदारों का भी दर्द छलक उठा जो अब ग्राहकों का इंतजार ही करते रह जाते हैं। एक दुकान मालिक ने बताया कि जब से कोरोना शुरू हुआ है ग्राहक ही नहीं आते, दुकान का किराया तक निकालना भारी पड़ रहा है। पहले रौनक थी लेकिन अब ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं। इतना ही नहीं, दुकान में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें भी वेतन खुद से ही देना पड़ता है। सर, किराया तो बिल्कुल जेब से जा रहा है, निकालना भारी नहीं बहुत भारी हो रहा है, और कस्टमर बिल्कुल नहीं है कोरोना के बाद से। अब पूरे पूरे दिन हम बैठे इंतजार करते रहते हैं, कस्टमर आए कब, आए कब ना आए, सुबह शाम को थोड़ी बहुत वॉकिंग होगी तो होगी, अदरवाइज दिन में सुबह से जैसे हम खाली बैठे, बिल्कुल आप देखो लड़के भी सारे बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं है। मार्केट को देखोगे, मार्केट भी बिल्कुल खाली पड़ी है। दुकानदारों का कहना है कि दुकान में ग्राहक नहीं आते,
कारीगरों को वेतन देना होता है और फिर दुकान का किराया। ऐसे में दुकानदार के पास दुकान खाली करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहता। यही वजह है कि कई दुकानें बंद भी हो चुकी हैं। जिस दुकान के मालिक दुकानदार की परेशानी को समझकर दुकानदार को किराए में देते हैं, वो दुकानदार तो अभी भी बाजार में है, वरना किराया तक न निकल पाने की सूरत में दुकानदारों को अपनी दुकानें खाली तक करनी पड़ गई। दुनिया में मतलब किराया तो इसमें मार्केट में कई दुकानें बंद हो चुकी हैं, हमारे बगल वाली बंद हो चुकी है, एक दो दुकानें पीछे और भी बंद हो चुकी हैं। किराया निकलना भारी हो रहा है। जो दुकान मालिक थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं तो वो दुकानदार थोड़ा बैठा हुआ है, अदरवाइज आज की डेट में किराया निकालना बहुत मुश्किल काम हो गया है। दुकानदारों, मजदूरों, पीजी में रहने वालों और मकान में रहने वाले किराएदारों के जाने से अब प्रॉपर्टी मालिकों को मेंटेनेंस करवाना भी भारी पड़ रहा है। प्रॉपर्टी मालिकों को इंतजार है तो सब कुछ ठीक होने का, ताकि एक बार फिर उनकी प्रॉपर्टी किराए पर जा सके। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट।